आज जानेंगे दोस्तों अपने इस वीडियो में सारे गामा पा लिटिल चैंप के सैटरडे स्पेशल के दिन में कुल कितने परफॉर्मेंस हुए, कौन मेहमान कलाकार आए थे और किसने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है और किसे मिला है हाईएस्ट स्कोर। इन सारी बातों को आज अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो कि काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों सारे गामा पा लिटिल चैंप सैटरडे स्पेशल। इसमें कुल 6 परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले हैं दोस्तों, जिसमें कि हमारे सभी कंटेस्टेंट ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाए और ज्यादातर परफॉर्मेंस यहां ड्यूट परफॉर्मेंस हुए हैं दोस्तों। और साथ ही साथ बता दूं कि मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे जी स्पेशल मेहमान बनकर आए थे और उन्हीं की मौजूदगी में ये सारे प्रोग्राम हुए हैं दोस्तों। और हमारे सभी कंटेस्टेंट ने उन्हीं के फिल्माए हुए गाने के ऊपर में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो बात करते हैं पहले परफॉर्मेंस की, तो वह था अतानु मिश्रा और आरोही सोनी की, कमाल की जोड़ी बनी थी दोस्तों। बहुत ही क्यूट सी जोड़ी थी जिन्होंने की दो खूबसूरत से गाने को परफॉर्म किए थे, जहां पहला गाना हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे जो कि फिल्म 20 साल बाद का है दोस्तों, और दूसरा गाना अब के बरस यह स्वर्ग से सुंदर इस फिल्म का यह गाना है दोस्तों। और इन दोनों ने बहुत ही प्यारे अंदाज में इस दोनों ही गाने को परफॉर्म किया और इनके इस खूबसूरत सी जोड़ी ने सबों का दिल जीत लिया। 100% की स्कोरिंग मिली है दोस्तों और इनके परफॉर्मेंस को चार्ट बस्टर परफॉर्मेंस बताया गया। बात करते हैं अपने दूसरे परफॉर्मेंस की, तो वह थी जैक्सन लामा और हरमेहर कौर की जोड़ी, जिन्होंने की धमाकेदार परफॉर्मेंस करके सबों का दिल जीत लिया, जहां इनका परफॉर्मेंस 100% स्कोरिंग मिली है, चार्ट बस्टर बताया गया है। वहीं सभी मेहमान कलाकारों का और जजेस का दिल जीतने में ये लोग कामयाब हुए हैं दोस्तों। इन्होंने भी दो खूबसूरत से गाने को परफॉर्म किए और दोनों ही गाने जीते हैं शान से फिल्म का था, जहां पहला गाना मौसम है गाने का, तो वही दूसरा गाना जुली जुली जॉनी का दिल तुम पे आया जुली, यह इतना जबरदस्त और एनर्जी से भरा हुआ गाना था दोस्तों। सभी के सभी नाचने गाने झूमने को मजबूर हो गए इनके इस परफॉर्मेंस पर और इन्हें 100% की स्कोरिंग के साथ साथ इनके परफॉर्मेंस को चार्ट बस्टर परफॉर्मेंस भी बताया गया। तीसरा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए देविका शर्मा और अथव बख्शी आते हैं दोस्तों, और इन दोनों की कमाल जोड़ी बनी दोस्तों, और इन दोनों ने एक ही खूबसूरत से गाने को परफॉर्म किए और सबों का दिल जीत लिया। फिल्म प्यार झुकता नहीं का तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, इतना खूबसूरत यह परफॉर्मेंस था दोस्तों, जिसे सुनने के बाद में हर कोई इनका दीवाना बन गया, फैन बन गया, जहां इन्हें 100 की स्कोरिंग मिली है और इनके परफॉर्मेंस को चार्ट बस्टर परफॉर्मेंस भी बताया गया। अगला परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ज्ञानेश्वरी गड़े आती हैं दोस्तों, जिन्होंने की जबरदस्त तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाया और सबों को अपना दीवाना बना लिया। इन्होंने क्लासिकल परफॉर्मेंस करके दिखाया दोस्तों, अलबेला सजन आयो रे, यह इतना बेहतरीन और जबरदस्त परफॉर्मेंस था जिसके कि हर कोई फैन बन गए, कायल बन गए, जहां इन्हें 100% की स्कोरिंग मिली और वहीं इनके परफॉर्मेंस को चार्ट बस्टर परफॉर्मेंस भी बताया गया। बात कर लेते हैं अगले परफॉर्मेंस की, जो रहा प्रज्योत गुंडाले और पलाक्षी दीक्षित का, इन्होंने भी दो खूबसूरत से गाने को परफॉर्म किए हैं दोस्तों, जहां पहला गाना जिंदगी प्यार का गीत है, यह फिल्म सौतन का गाना था, तो वही दूसरा का परफॉर्मेंस प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से प्यार कभी कम नहीं करना, यह दोनों ही गाने इतने लाजवाब और बेहतरीन थे जिसे सुनने के बाद में हर कोई इनका दीवाना बन गया, फैन बन गया। 100% की स्कोरिंग इन्हें भी मिली है दोस्तों और इनके परफॉर्मेंस को चार्ट बस्टर परफॉर्मेंस बताया गया। आखिरी और लास्ट परफॉर्मेंस रफा यास्मीन और असम अली खान का था दोस्तों, जिन्होंने की दो खूबसूरत से गाने को पेश किया, जहां पहला गाना फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, तो वही दूसरा गाना भी प्रेम प्रतिज्ञा से ही था दोस्तों, मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। यह दोनों ही गाने बहुत ही जबरदस्त थे और इन दोनों ने भी इस गाने को बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया था, लेकिन स्कोरिंग की बात की जाए तो इन्हें 95 का स्कोर मिला था दोस्तों, और इन्हें इस तरह के जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए हमारे सभी जजेस ने और मेहमानों ने जम के तारीफें की हैं। तो इस तरीके से सैटरडे स्पेशल कुल 6 परफॉर्मेंस हुए, जिसमें से कि 5 जोड़ी को 100% की स्कोरिंग मिली है, सिर्फ एकमात्र
कॉम्बिनेशन रफा यास्मीन और असम अली खान के परफॉर्मेंस को 100% नहीं मिल पाया। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा दोस्तों कि इन सभी परफॉर्मेंस में से आपका फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सा था, जिसने कि आपके दिल को जीता हो और जिनके परफॉर्मेंस पर आप फिदा हो गए हो। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सारे गामापा लिटिल चैंप के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण।